मारवाड़ी महिला मंडल जो कि महिलाओं का एक बड़ा समूह हमारे नगर में है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि विद्यार्थियों के क्षेत्र में काम करता है, स्पोर्ट्स क्लब कन्नौज, अखिल विश्व गायत्री परिवार, महर्षि पतंजलि योगपीठ और हमारे बीच सेवानिवृत्त शिक्षक अधिकारी कर्मचारी विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज इस मंच पर प्रदेश के जननायक विदिशा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मंचासीन हैं, हमारे उज्जैन संभाग के पूर्व संगठन मंत्री और हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय तपन भौमिक जी, इस विदिशा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय रमाकांत भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, आदरणीय रघुनाथ सिंह भाटी जी, विधानसभा के संयोजक डॉक्टर आर्यन यादव जी, मंडल अध्यक्ष भाई अर्जुन पवार जी, अनोखी लाल चौहान जी, कचरू पटेल जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई राजेश जोशी जी, पूर्व विधायक माननीय गणपत पटेल जी, आदरणीय रवि मालवी जी, पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा जी, हमारे लक्ष्मी नारायण गौरा जी, भाई कचरू पटेल जी, हमारे रेवाराम जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि भैरूलाल अटारिया जी, बहन माया पटेल जी, भाई ललित गुर्जर जी, नगर परिषद खातेगांव की अध्यक्षा श्रीमती सारिका चौधरी जी और उपस्थित समस्त मंचासीन अतिथिगण, आज का क्षण एक लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के नाते माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का प्रथम नगर आगमन हुआ। आप लोगों ने जो प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, वो किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं दिया है, भारतीय राजनीति के, मध्य प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे असाधारण व्यक्तित्व जिन्होंने परेशानियों में राह निकाली, प्रदेश के विकास के मार्ग को प्रशस्त किया, गरीबों के जीवन में नया उजियारा लेकर आए और मध्य प्रदेश की 1,21,00,000 से अधिक बहनों को लाडली बहना जैसी महत्वपूर्ण सौगात दी, जिनके कारण आज उनके घरों में उजाला है। और यह प्रेम जब किसी को मिलता है तो ईश्वर की विशेष अनुकंपा तो होती ही है, और ईश्वर को जब समाज में परिवर्तन करवाना होता है तब वो ऐसे मनीषियों को, ऐसे विचारकों को, ऐसे कर्म योद्धाओं को इस धरती पर भेजता है जो समाज की बुराइयों को दूर करने का और समाज को संघर्ष के लिए खड़ा करने का और उन्नति की राह दिखाने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान जी, और आज वो हम सबके बीच में है। उनका ये जीवन एक परिपक्व राजनीति का उदाहरण तो है ही है, किस तरह से सरकार लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकती है इसका उदाहरण देश में नंबर वन पर है माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने गरीबों के लिए जीवन की कठिनाइयों को आसान किया, किसान की खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार प्रयास किए, गरीब परिवार के बेटा बेटियों को निकालकर MBBS और इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई की व्यवस्था करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, उनके माता पिता के सपनों को साकार किया। और जब एक नेता लगातार इतने समय तक काम करता है, समाज के परिवर्तन की बात करता है, समाज में परिवर्तन लेकर आता है, तो आने वाली कई पीढ़ियां उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ती हैं, क्योंकि ये कालखंड जो मध्य प्रदेश को शिवराज जी का मिला वो वास्तव में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा। आप सब लोग पिछले 2-3 घंटे से इस कार्यक्रम के लिए जुटे हैं, आज स्वागत की कोई औपचारिकता नहीं है, आप सबके द्वारा जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मामा जी का अभिनंदन करें। माननीय शिवराज जी से आग्रह करता हूं कि आप सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, मेरी सभी लाडली बहनों की जय, प्यारे भाइयों की जय, और भांजे भांजियों की जय, कन्नौज वालों की जय, और शिवराज मामा जी की जय। अरे आपकी जय में मामा की जय है, आपके बिना मामा क्या है। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, हमारे लोकप्रिय युवा और कर्मठ विधायक कन्नौज की माटी के लाल भाई आशीष जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव जी,
गणपत पटेल जी, रवि जी, रघुनाथ जी, पप्पू गोड़ा जी, पप्पू कहो के लक्ष्मी कहो, हमारे मंडल के अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेता साथीगण, क्योंकि प्रबुद्ध जनों का यह सम्मेलन है इसलिए अलग अलग संस्थाओं से पधारी हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, मामा और भैया का आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज कन्नौज की सड़कों पर आपने जिस ढंग से आशीर्वाद की वर्षा की है मैं अभिभूत हूं। कोई रोड शो का कार्यक्रम नहीं था, आशीष ने तो मुझे कहा था, तपन जी भी बैठे हुए हमारे वरिष्ठ नेता, कि कुछ जगह 10-25 जगह कुछ लोग स्वागत करेंगे, लेकिन मुझे तो कन्नौज में कोई जगह खाली नहीं दी। और एक जगह तो इकट्ठे 2.5 क्विंटल फूल मेरी मुंडी के ऊपर से बरस गए, और वो भी जेसीबी से, पत्थरों की मार से तो लोगों को घायल होते हुए देखा है, लेकिन कन्नौज वालों हम तो फूलों की मार से घायल। ये आपका प्यार और आशीर्वाद, लेकिन ये मेरे अंदर भी एक संकल्प को प्रकट करता है, ये जो स्नेह और प्यार आपने मुझे दिया है, और उसका कर्जा उतारूं तो कैसे उतारूं। मैं केवल इतना कहता हूं मेरे बहनों और भाइयों के जीवन की अंतिम सांस तक आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे लिए राजनीति का अलग अर्थ है। राजनीति में क्यों, पदों की प्राप्ति के लिए नहीं है, सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर पहुंचने के लिए नहीं, मन में एक संकल्प है अपने देश की सेवा का, मन में एक संकल्प है जनता की सेवा का, और संकल्प आज से नहीं बचपन से है। लेकिन अकेला व्यक्ति देश की सेवा नहीं कर सकता तब तक के उपयुक्त प्लेटफॉर्म ना मिल जाए, और मैंने माध्यम चुना, प्लेटफॉर्म चुना, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल नहीं है, ये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का अभियान है। हजारों साल पुराना हमारा देश, जब दुनिया के तथाकथित विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। आज में हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। ये धरती वो धरती है जिसके ऋषियों ने आज भी हजारों साल पहले कहा, आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो। और दूसरे शब्दों में कहा तुलसीदास जी ने कि सिया राम मैं सब जग जानी। मतलब क्या है, आज में केवल राजनीतिक बात करने नहीं आया, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हर एक आत्मा में परमात्मा विराजमान है, हम एक ही चेतना के अंग हैं, हमें कोई भेद नहीं है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। ये तो सियाराम में सब देखता, जिसको कबीर दास जी ने कहा, साहब तेरी साहेली हर घट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साहब मतलब भगवान परमात्मा, तू तो हर घट में है, तो किसी का है तो दिखाई क्यों नहीं देता है?
कबीरदास जी व्याख्या करते हैं कि जैसे मेहंदी के पत्ते को देखो तो मेहंदी का पत्ता कौन से रंग का दिखाई देता है, लेकिन अगर उस मेहंदी को पीस के हाथ में रंग दिया जाए तो माया जी कौन सा रंग उछलता है, लाल। तो जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल रंग होते हुए भी दिखाई नहीं देता, वैसे परमात्मा सब में है लेकिन दिखाई नहीं देता। ये साधना तपस्या अगर उसमें पीस दिया जाए तो वो प्रकट हो जाता है। देखो हम क्यों इस दुनिया में आए, जरा हर एक सोचे इस धरती पर हम क्यों आए और कितने वर्षों के लिए आए, क्या हमारे जीवन का अर्थ क्या है, क्या मनुष्य का काम पेट भर नहीं भर है, क्या मनुष्य का काम केवल अपने लिए जीना है। अपने सभी संतों ने कहा अपने लिए नहीं। तुलसी बाबा ने कहा पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, अपने लिए तो सब जीते, कीट पतंगे भी जीते, पशु पक्षी भी जीते, अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, जो औरों के काम आता है उसका जीवन ही जीवन होता है। बोलो सही बात है कि नहीं। अच्छा बोर तो नहीं हो रहे, ये तो नहीं सोचे कहां का प्रवचन वाला आ गया, दूसरों के लिए जी नहीं जीना, और इसलिए जीवन की सार्थकता का है। ये बात अलग है कि आजीविका के साधन चाहिए, लेकिन अपना देश की है, समाज की है। और भारत ने तो कहा अपना परिवार कौन, मैं मेरी पत्नी मेरे बच्चे, केवल वो ही अपना परिवार नहीं है। अयम निजम परा वेत्ति गणाल विचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, ये मेरा ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार, वसुदैव कुटुंबकम। और ये देखो भारतीय संस्कृति को, इसके मर्म को, बचपन से गांव में हमको सिखाया गया, जब कोई कथा वार्ता होती है तो कथाकार पंडित जी कहते हैं धर्म की अधर्म का और प्राणियों में और विश्व का, प्राणियों में सद्भावना हो केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, सारे जगत का कल्याण हो। ये भारत का बच्चा बच्चा गाता है, बच्चा बच्चा गाता है, और मैं पुलकित होता हूं कि कितनी महान संस्कृति है हमारी, कितनी कितनी महान संस्कृति। बीच में हमारे पराभव का काल आया, हम गुलाम हुए, परतंत्र हुए और हम पिछड़ गए, लेकिन आज मुझे कहते हुए गर्व है मैं जिस आंदोलन का हिस्सा हूं, भारतीय जनता पार्टी, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने का काम कर रहा हूं। मैं गलत तो नहीं कह रहा। देखो एक जमाना भारत में कहीं मान नहीं, सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं। मैं कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहा, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी मुख्यमंत्री रहा, और जब मोदी जी की सरकार बनी तब भी मुख्यमंत्री रहा। जब कांग्रेस की सरकारों में मैं दुनिया के किसी देश में जाता था और कहता था भारत से आया हूं, तो हिकारत की नजरों से देखते थे, बोले घपले घोटाले वाला इंडिया, ये भारत की पहचान बन गई। एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपयों के घोटाले, सभी धूमिल हो गई थी, भारतीय संस्कृति जीवन मूल और परंपराओं को कुचलने का काम हो रहा था। अगर कोई कह दे भारतीय संस्कृति की बात, हिंदुत्व की बात, तो माना जाता था ये तो बड़ा संकीर्ण है।
अच्छे नहीं माना जाते, संकीर्ण मानते, सांप्रदायिक मानते, सेक्युलर, उसकी परिवार से ज्यादा लगता। लाल कृष्ण अडवाणी जिनका छदम धर्म निरपेक्षता नहीं चलेगी, छदम धर्म निरपेक्षता, हिंदू को गाली देना ही धर्म निरपेक्षता हो गई थी। मेरे बहनों और भाइयों, बताओ क्या ये देश राम के बिना जाना जा सकता है? राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है, और राम भारत की पहचान है। हम तो गांव में एक दूसरे से मिलते थे, उठते मिलते क्या कहते थे, राम राम भैया, जय राम जी की भैया, रोम रोम में रंगे राम, हर सांस में बसे है राम। लेकिन उनको भुलाने की कोशिश हो रही थी। आज मुझे गर्व ये कहते हुए कि 500 साल तक जो संघर्ष चला अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर, दिव्य और भव्य मंदिर का कोर्ट के आदेश से वो बना और राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। क्या ये नहीं होनी चाहिए थी? और मैं आज आलोचना के लिए नहीं आया, लेकिन कांग्रेस की सोच को आप देखिए, कैसा घटिया सोच है ये। पूरे देश में आनंद और उत्सव मनाया जा रहा था, बहनें दीपक जला रही थी, रंगोलियां बनाई जा रही थी, भगवा पताकाएं लहरा रही थी। पहली बार हमने देखा ब्लैक भी हो गए झंडे, क्योंकि मिले ही नहीं रहते, कोई ना पैसे नहीं मांगे या फ्री में झंडे दे दो, खरीद खरीद के अपने घरों को लहरा दिए जनता ने। निमंत्रण कांग्रेस को भी मिला, कांग्रेस को निमंत्रण मिला कि आप भी आइए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप बताओ कांग्रेस को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन उल्टी बुद्धि हो गई, विनाश काले इज्जत से बुलाया, बोले हम नहीं जाते। क्या हो गया कांग्रेस के नेतृत्व को, क्या हो गया? और इसलिए कई कांग्रेसी मुझे मिले जिन्होंने कहा कि भैया गांव में जाते तो लोग कहते मंदिर तक में नहीं गए, अब आ गए तुम। जब विनाश काल आता है तो ऐसे ही फैसले लिए जाते। कांग्रेस का नेतृत्व दिशाहीन है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। अब एक दूसरी चीज और देख लीजिए, काय के लिए सरकारें होती हैं? हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल भी आगे बढ़ाए, लेकिन विकास का काम भी करे और जनता की दिन रात की समस्याओं का समाधान भी करे। कितने साल कांग्रेस ने राज किया भैया? आप 2003 की रोड याद है कि भूल गए? बच्चों को तो याद नहीं, तुमने तो मामा का राज देखा है। गर्मी के दिनों में खेतों में गाड़ियां कूदती थी, रोडों के आते पता नहीं थे। आज हम आशीष आर्य जैसे सांसद जी के साथ, राजेंद्र भी साथ थे, किसान भाई मिले कि ये गांव छूट गए सिंचाई के लिए। पहले कभी कांग्रेस ने सिंचाई का सोचा क्या? मुझे आज गर्व कहते हुए कि आपने आशीर्वाद दिया और 7 लाख हेक्टर से बढ़ा के सिंचाई की क्षमता हमने लगभग 50 लाख हेक्टर कर दी और 75 लाख हेक्टर कर दिया। किसानों की जिंदगी कैसे बदली? और आज कह रहा हूं मैं भरे मंच पर, व्यक्तिगत रूप से भी मेरा संकल्प है
इंच में सिंचाई की व्यवस्था करने का प्रयास करना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, तेज सिंह सैंडव जी को आप जानते हो, विधायक थे। उन्हें विधानसभा में एक सवाल लगाया जब दिग्गी राजा मुख्यमंत्री थे। बोर तो नहीं हो रहे भाई? दिग्गी राजा मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि नर्मदा जी का पानी छिपरा जी में ला सकते हैं क्या? तो दिग्विजय जी का उत्तर था इम्पॉसिबल, असंभव, पागल हो गया, वो कहां से आएगा? बोले आ ही नहीं सकता। अब सोच में अंतर देखिए, मैं मुख्यमंत्री बना, मुझे लगा कि देवास जिले में भी अगर पानी ले जाना है तो तरीका क्या है? चंबल का आ नहीं सकता, नर्मदा जी नीचे है, मालवा का पठार ऊपर है। तो मैंने अफसर बुलाया और बुला के मैंने कहा कि भाई मुझे तो पानी ले जाना है देवास जिले में भी मालवा में भी। तो अफसरों ने मुझे भी कहा इम्पॉसिबल सर, मैंने कहा क्यों? बोले नर्मदा जी नीचे है, पठार ऊपर है, कैसे पानी जाएगा? मैंने कहा यार सीधा रास्ता, इसमें कौन सी ज्यादा बुद्धि लगानी है, नहर से कौन कह रहा है? बड़े बड़े पाइप बिछा दो, शक्तिशाली मोटर लगा दो, खींच लो पानी, दो दो तीन तीन चार चार दस दस मंजिल में पानी चला जाता है शहरों में। तो बोले सर पैसा बहुत लगेगा। मैंने कहा पानी अगर मिलता है तो पानी का कोई मोल नहीं है, अनमोल है। और मुझे गर्व है मेरी बहनों और भाइयों, नर्मदा जी का पानी छिपरा, छिपरा के बाद काली सिंध के बाद गंभीर, और पार्वती में भी नर्मदा जी का पानी ले जा रहे हैं। ये कब होता है? जब दिल में साफ होती है, जब किसान के सूखे खेत मन में पीड़ा पैदा करते हैं, तब लगता है कि खेती, सूखी खेती कोई काम की है क्या? तब ऐसे फैसले होते हैं। सड़कों का जाल हो, विकास के काम बहुत विस्तार से नहीं गिना जाते, लेकिन ये मेरे भांजे भांजी में जा जाता हूं, मामा पूरे टाइम ये देखो मुझे सुनने बैठे, इतने बच्चे कभी सुनते नहीं था, ये मेरे बच्चे बैठे हैं भांजे भांजी, भाई तो दौड़ते चल जा रहे मामा मामा मामा। मिले नौजवान भी बहुत, पहलवान भी आज मिले, ब्याह में सारा जो बड़े तगड़े आते पकड़े को मामा दुबला पतला मामा, क्या प्यार मिला। इन बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्या? वो नेता क्या नेता है जो किसान की ना सोचे, गरीब की ना सोचे, माताएं बहनों की ना सोचे, बच्चों के बेहतर भविष्य की ना सोचे? मुझे कहते हुए गर्व है आशीष यहां पे है, सांसद जी भी यहां है, हमने तय किया कि गरीब बच्चों को लैपटॉप पढ़ने नहीं मिलना चाहिए, वो पढ़ने में तेज है। तो क्या मेरी गरीब बिटिया स्कूटी पर नहीं बैठनी चाहिए अगर वो पढ़ने में तेज है? और अगर किसान मिडिल क्लास गरीब किसी के घर कोई बेटा बेटी पैदा हो गया और उसमें टैलेंट है बुद्धि है तो क्या उसको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? हमने तय किया कि उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, बीजेपी की सरकार। मेरे कई बेटा बेटी डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, कौन सोचेगा इनका? मेरी बहनों बचपन से मेरा मन दर्द से भरा रहता था, इसलिए कि मैंने अपने गांव में अपने घर में बेटियों के साथ न्याय होते नहीं देखा। अगर बेटा पैदा हो गया तो दादी मां खिलखिला गई, घर प्रसन्न हो गया, मायके वाले भी लड्डू और क्या की साड़ी कपड़ा जेवर, चलो भैया आया। और बेटी पैदा हो गई तो मां का चेहरा भी उतरते हुए मैंने देखा है। मैंने ऐसी मां भी देखी जिसने बेटी का मुंह देखने से इनकार कर दिया। और आज भी आपने पढ़ा होगा भोपाल के पास की घटना, भोपाल जिले की, एक बहन ने अपनी बेटियों के साथ फांसी लगा ली। क्यों लगा ली? क्योंकि पति ने ताने मारे कि लड़की लड़की पैदा कर रही है। मां अपनी बेटियों के साथ फांसी के फंदे पर झूल गई, क्या आत्मा नहीं होती तुम्हारी? क्या 21वीं शताब्दी में भी ये होगा? आखिर क्यों भेद बेटा और बेटी में?
क्या बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है? क्या बहन के बिना दुनिया चल सकती है? अरे ये वो धरती जिसने अर्ध नारेश्वर की कल्पना की, शिव और पार्वती, लक्ष्मी, नारायण, गौरी, शंकर, राधे, कृष्ण, सीता, राम, लेकिन इस धरती पर बेटियां कोख में मारी गई। अगर पता चल गया कि पैदा होने वाली बेटी है, स्क्रीनिंग करके पता कर ले तो बोले मार डालो कोख में। और इसलिए हजार बेटों पर 900 बेटियां रह गई थी। उस दर्द में से पैदा हुई मेरी लाडली लक्ष्मी योजना, उस दर्द में से कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाए। आज लगभग 50 लाख बेटियां लाडली लक्ष्मी बन गई। लाडली लक्ष्मी हो 50% रिजर्वेशन हो, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। लाडली बहना क्यों बनी? आप बताओ मेरे भाई, क्या धरती के संसाधनों पर स्त्री का कोई हक नहीं है? क्या बताऊं? भगवान ने ये जमीन, जायदाद, मकान, खनिज सब आदमी के लिए बनाए। क्या स्त्री का कोई हक नहीं? मैंने अपनी बहनों को, आधी आबादी को पूरा न्याय देने के लिए लाडली बहना योजना बनाई। गरीब बहन का भी अपना खाता हो। मुझे ऐसी बहनें मिली कि जो मायके जाने के लिए 1000 रुपया मांगे तो पतिदेव नहीं देते थे, बोले जब देखो मांगती रहती नहीं है, तो मुंडी लटका के बैठी रह जाती। तब मन में ये बात आई कि उनका अपना अकाउंट हो, उस अकाउंट में उनका पैसा हो और जब चाहे वो निकाल सके। 1500 के लिए मेरी बहनों को हाथ ना फैलाना पड़े, उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों को। मैं योजनाओं के विस्तार में नहीं जाने चाहता, लेकिन जब दिल में तड़प होती है तब ऐसी योजनाएं निकलती है। तब नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत योजना बनाते, तब फिर फ्री में गरीब को अन्न देने का फैसला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत होता है, तब बहनों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए जाते हैं। गरीब बहनों को घर में टॉयलेट बनवाए जाते, ये राज करने का दृष्टिकोण है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता अगर राजनीति में है तो अपनी जनता की सेवा के लिए मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं, कन्नौज वालों, मेरे लिए जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। ये जीवित जागृत देवता हर स्त्री देवी की मूर्ति है। दुर्गा सप्तशती ने मैं कहा है, और मैं अपनी हर बहन में देवी की मूर्ति ही देखता हूं, और बेटियां मेरे लिए साक्षात देवियां। मैं बेटियों के पैर छूता हूं, पैर धोता हूं, पानी माथे से लगाता हूं, है मेरा अंतर का विश्वास। किसी जनता की सेवा, गरीब की सेवा, किसान की सेवा, यही भगवान की पूजा है। और दूसरी चीज, प्रेम ही ईश्वर है, प्रेम ही भगवान। अब आप एक ऐसे नेता की कल्पना करते हैं जिससे एक दिन में 10,000 लोग गले मिल लेते हो और हाथ मिलाते हो, आप सोचो मेरे हाथ पांव का क्या होगा। रात भर हड्डियां दुखती है, लेकिन जब भी बच्चे आते हैं मैं दोनों बाहों में भर लेता हूं, आ जाओ मेरे भांजे भांजियों, क्योंकि अंतर का प्रेम नहीं है। और इन्हीं की सेवा के लिए राजनीति, अपने देश को महान देश, विश्वगुरु भारत बनाने को आज कन्नौज में लिख लेना। प्रबुद्ध जन बैठे, स्वामी विवेकानंद जी का नाम था नरेन, उन्हें 100 साल से ज्यादा हो गए, तब उन्होंने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्ति जान पड़ती है, महादिशा का अंत निकट है, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। 100 साल से ज्यादा हो गए। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में ये हो रहा है। दुनिया को भारत ही बचाएगा और कोई नहीं बचा सकता।
और इसलिए हमको वैसा भारत बनाना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी ने कहा, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता है। तो मैं वैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे गुरु भाई गुरु बहने भी बैठे हैं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। और कई बार मुझे लगता है कि अब 65 साल का तो हो गया, 65 में चल रहा हूं। अब काम निकल निकल गया तबन पता ही नहीं चला। हम जेल में थे 11वीं में और गड़बड़ सड़बड़ बन गए थे, इमरजेंसी में गए थे। कितनी उम्र थी तब से काम करते करते। कई बार मैं सोचता हूँ और कितना जिएगा जी, लेकिन जब तक जी लोगों के लिए जी, लोगों के लिए जी। एक प्रसंग महाभारत का और सुनाऊंगा, सुना दो। यक्ष और युधिष्ठिर जी का प्रसंग सुना है, कई को ध्यान होगा कई को नहीं होगा। प्यास लगी, पांचों भाई जा रहे थे जंगल में, ऊपर चढ़ के पेड़ पे देखा, एक जगह देखा बगले उड़ रहे हैं। अंदाज लगा लिया, पहले ऐसे अंदाज लगाते थे क्या पानी, अपने आप परंपरा है कि सबसे छोटा भैया पहले जाए। तो सहदेव से कहा तू जा पानी लेके आ। युधिष्ठिर सहदेव गए, पानी प्यास लगी थी तो तालाब में हाथ डाला, पानी पीने गए तो आवाज आई, रुको सहदेव, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना अगर तुमने पानी पिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। युधिष्ठिर सहदेव नहीं माने, पानी जैसे पिया उनकी मृत्यु हो गई। एक भाई, फिर नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम, अंत में युधिष्ठिर आए। भाइयों को मृत पड़े देखा तो अंतर में वेदना बहुत हुई, लेकिन सोचा पानी तो पी लूं पहले, फिर आवाज आई रुक युधिष्ठिर, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे। यक्ष ने कई सवाल पूछे, लेकिन एक सवाल जो मुझे हमेशा प्रेरणा देता है वो था, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर बोले मनुष्य जन्म लेता है, खेलता कूदता है, फिर पढ़ाई लिखाई करता है, फिर और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, पढ़ाई पूरी होती है, उसका शादी ब्याह होता है, गृहस्थ आश्रम आ जाता है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर वो बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा होने के बाद मर जाता है। हर एक को पता है कि मैं भी मरूंगा, हर एक को पता है, लेकिन व्यवहार ऐसा करते जैसे हमेशा इस दुनिया में रहना ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अगर हम बोले कितने दिन जीना है यार, अच्छा जियो तो फिर ऐसा जी लो कि दुनिया कहे कि वाह, जब जाओ तो कहे कि आज कोई हस्ती उठी है। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। तो चाह यही है कि बचा जीवन ऐसे जिया जाए। और जो काम पार्टी ने दिया, पत्रकार मुझे पूछते हैं कि अब आप क्या करोगे, आप क्या बनोगे, अरे मैं कहा कुछ सोचू भाई, जब एक बड़ी पार्टी में हम काम कर रहे हैं तो पार्टी तय करेगी कि मैं तय करूंगा। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन भारतीय जनता पार्टी वो तय करेगी हम कहां काम करेंगे। उन्होंने कहा एमएलए तो एमएलए, उन्होंने कहा एमपी तो एमपी, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि फिर से सांसद तो मामा दिल्ली चले, और उन्होंने कहा जाओ खाते गाओ कर लो तो मामा कन्नौद आ गया। इस पवित्र धरती ने मुझे बुला लिया, अब आपके स्नेह का कर्जा उतारना है। मैं रास्ते में आशीष से कह रहा था भाई ऐसा काम करें कि आनंद आ जाए, डट के करें, कोई भेदभाव नहीं, कोई मतभेद नहीं, सब तुरोहित कर दो, मिलकर प्रेम की गंगा बहाओ, सबको प्रेम से गले लगाओ और विकास के राह पे चलो, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे,
जनता के कल्याण की योजनाओं को ढंग से इंप्लीमेंट करके जनता की जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता लाएंगे तो अपनी जिंदगी धन्य हो जाएगी। इसलिए मैं आया हूं मेरे बहन और भाई, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक महान भारत के निर्माण में गहरी से योगदान हम भी देंगे और अपने कन्नौज को भी सजाएंगे संवारेंगे। वो कौन कुल्फी वाले थे, बब्बू दादा की कुल्फी में गला बैठ गया था तो चाय पी ली, कुल्फी बहुत अच्छी थी। कन्नौज की हर चीज अच्छी है, अद्भुत अपना कन्नौज, अपना खाते गांव, यहाँ का हर एक गांव, उसको सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और इसलिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। अच्छा कार्यकर्ता आजकल बड़े दोस्त है, रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड को मैंने नहीं की भैया, एमपी की 29 सीट में पहला नंबर है मेरा मामा, तो सेवा में भी पहला नंबर ही। ये मेरी बहनों आपकी भागीदारी चाहिए, देखो अद्भुत है। मैं आज जब से चुनाव क्षेत्र में आज यहाँ आया है, जगह जगह गरीब बहन मिलती है, ये सब साथ 10 रुपया 20 रुपया लेके आती है, ऐसे निकलती भैया ये काय के लिए, बोले भैया चुनाव लड़ रहा है इसलिए। तो धन्य हो गया मैं, नेता आता है तो सबसे पहले कहते निकाल तो पहले आ गया चुनाव लड़ने। मैं कैसा भाग्यशाली हूँ जिसके लिए बहने भी पैसे निकाल के लाती, सिक्के देती है, कहती लड़ भैया, वो कह रही कौन से गांव में गई थी, घबराना मत, हमें कतलाए आदिवासी में, ए भैया घबराना मत, हम हैं ये बहन। इसलिए भरपूर प्यार और आशीर्वाद दे, गर्मी की परवाह मत करना, गर्मी थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, हम सब मिलके लोकतंत्र के इस महाउत्सव में धूमधाम से भाग लें। रिकॉर्ड बनाना मेरा नहीं, वो आप जानो आपका काम है, मेरा काम आपकी सेवा करना है, मैं बेहतर सेवा कर सकूं इसके लिए मुझे आशीर्वाद अंतर मन से आपका आशीर्वाद ले रहा हूं, आपको प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आपकी बेहतर सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, बोलिए भारत माता की। देखिए अभी रुकिए, सबके भोजन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था चालू।